नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। दिन पे दिन हमें गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। 40 डिग्री से ऊपर का तापमान हर किसी का हालत और तबीयत भी खराब कर रहा है। ऊपर से पानी की कम मात्रा से शरीर की ताकत भी खत्म होती जा रही है। दिन भर धूप में काम करते रहना या घूमना भी घातक बनता जा रहा है। ऐसे में प्रदेशों में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी गर्मी परेशान कर रही है। वाराणसी में एक हफ्ते से 700 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 100 बच्चों में डायरिया के लक्षण मिले हैं। बता दें कि वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में बाल रोग विभाग की ओपीडी में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में रोज़ाना लगभग 150 बच्चे इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें नवजात बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे शामिल हैं। ज़्यादातर में डायरिया के लक्षण की बात सामने आई है। बीते एक हफ्ते में 900 से ज़्यादा लोग बच्चे में डायरिया के लक्षण मिले हैं। इनका इलाज किया गया है। जो तापमान बढ़ रहा है तो ये है क्या कि रात में टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 से 30 के बीच में रहता है और दिन में वो 40 के ऊपर तक पहुंच जाता है। एक तो करीब करीब जो है ये 15 डिग्री का टेम्परेचर जो वैरी कर रहा है, ये एक बड़ी समस्या है जो कि जो भी किसी भी तरह से जिनकी शारीरिक प्रतिरक्षण क्षमता कम है उनके लिए ये टेम्परेचर का बदलाव थोड़ा दिक्कत का कारण होता है। साथ ही ये भी है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है, तो उससे कोई भी चीज़ खाने पीने की जो है वो चीज़ें जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो अगर ऐसे हालत में कोई बासी खाना खा लेता है या कोई ऐसी चीज़ जो अच्छे से नहीं रखी हुई है वो खा लेता है तो उसको तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो भी अभी देखने को मिल रहा है डायरिया, वो बेसिकली थोड़ा अगर उससे बचा जा सकता है, अगर वो खाना ताज़ा लोग खाएं और बासी खाना खाने से बचें, बाज़ार में बिकने वाले कटे फटे सामान जो कि खुले में बिक रहे हैं उनसे बचें, और पानी में जो है, पानी में भी इस समय पानी की वजह से भी दिक्कतें आती हैं, तो साफ़ पानी पिएं। और सबसे बड़ी बात है कि एक और जो चीज़ रह गई कि लू जो है, जो इस समय टेम्परेचर बढ़ने से लू के भी मरीज दिख रहे हैं। तो जो लोग जो है पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो पानी पे डिपेंडेंट है, तो अगर हमारे शरीर में पानी कम होगा या नहीं होगा या बहुत कम होगा तो लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लू से बचने के लिए ये है कि पानी पूरा भर पेट, जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी भर पेट पी के निकलें, और दूसरा ये कि अपने शरीर को कपड़े में अच्छे से ढक के निकले, है ना, खुला जो है वो अंग जो है वो खुले ना रहे। जी, ओपीडी की क्या संख्या है, किस आयु वर्ग के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, प्रतिदिन क्या आंकड़ा? ओपीडी में तो सभी आयु वर्ग के मरीज थोड़ा आ रहे हैं, और ज़्यादा के कहना नहीं है कि क्योंकि जो 12 बजे के लगभग आते आते धूप की वजह से ओपीडी लगभग जो है बहुत कम हो जा रही है, क्योंकि लोग दोपहर में निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो इस वजह से ओवरऑल ओपीडी का नंबर तो नहीं बढ़ा है, लेकिन जो है वो चूंकि कम समय में आते हैं तो वो भीड़ ज्यादा रहती है। ऐसे में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं और धूप में निकलने से बचें, और देखते रहें द सोशल राइज।